Kids from today. Oh my god. Yes. We have, I'm just taking the name of the new kids, those who have joined from today. So starting with Sony, and then Krisha, then Aditi, then Bhavya,
Trishti, Mahi, Galaxy se to Pragati hai. Okay. And who else? Urva, Pushpa, Shivraj, Tejaswi. Yes. So these are the new kids, those who have joined. I think Mahi was there in the last to last class. And everyone, you have to open your videos. You cannot off your video and attend the class. Please do open your videos. Over to you, ma'am. Thank you, ma'am. So, kids, excited to... Sorry, ma'am. One more thing. So, your painting and sketching mentor is Sudipta, ma'am. Sudipta, ma'am, bahut saalon se painting sikhate aa rahe hain. और बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग सिखाते हैं और खुद भी करते हैं और आपको बहुत मजा आने वाला है. शुरू में लगेगा अरे ये तो बहुत सिंपल है और जब वो बन के निकलेगा ना वो कुछ और ही निकलेगा. सो दैट इज माय ओन एक्सपीरियंस. तो प्लीज ध्यान से कीजिएगा और जैसे जैसे मैम बताते जाएं पूरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिएगा. ठीक है. ओवर टू यू मैम. वेलकम मैम. या थैंक यू मैम. बच्चे आई नो आज से वाटर कलर स्टार्ट होने हैं और जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी ऑब्वियसली वाटर कलर का यू ऑल ऑफ यू आर वेरी लकी कि आज फर्स्ट क्लास है. ठीक है. तो मैं इसमें कुछ टिप्स देना चाहूंगी. जो नए बच्चे जो पुराने बच्चे वो तो ट्रेंड हो चुके हैं मुझसे. उनको पता है कैसे मैं उनका मैं किस तरीके से मैम को गाइड करती हूँ और कैसे कैसे जैसे मैम ने अभी बताया कि बहुत सिंपल लगता है शुरुआत में. फिर धीरे धीरे जब हम उसी चीज को लर्न करते जाते तो हमें हर एक डे हर एक वर्क का हमें समझ आता है कि ये क्यों जरूरी है. तो छोटे बच्चे जो नए बच्चे वो भी और छोटे बच्चे जितने भी है थोड़ा सा वाटर कलर अगर आई नो आप लोग बहुत ज्यादा खुश हो के हाँ वाटर कलर स्टार्ट होना बट मैं थोड़ा सा डराना भी चाहूंगी क्योंकि वाटर कलर इतना इजी नहीं होता. ठीक है. तो इससे पहले आप लोगों ने ऑयल पिस्टल्स किया राइट. तो ऑयल पिस्टल्स में क्या होता है कि ऑयल पिस्टल्स हम बचपन से करते हैं. जब जैसे हमने पेंसिल पकड़ना स्टार्ट किया तो हमारे हाथों में कलरफुल कलर्स आ जाते हैं राइट. तो वो कलरफुल कलर वैक्स का होता है या ऑयल पिस्टल मतलब पेस्टल कलर्स होते हैं वैक्स कलर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट मतलब उसमें ब्रश एंड वाटर का काम नहीं होता. हम शुरू में हमारे पेरेंट्स हमें वही कलर देते हैं. तो हम कितने साल ऑलमोस्ट 2.5-3 years से हम कलर करने लग जाते करते करते अभी आप 9-10 years में आके आप थोड़ा बहुत ऑयल पिस्टल कलर्स में सेटल होते हो. जैसे सेटल हुए हो तभी मैंने बोला कि ठीक है मैं वाटर कलर दे सकती हूँ. अब जब वाटर कलर स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली वो तो अभी से स्टार्ट हो रहा है. तो आप लोग 2-3 साल से जाके 9-10 साल तक ऑयल पिस्टल्स में थोड़ा सा आप लोगों ने हाथ को सेट किया है तो वाटर कलर सेट होने में भी टाइम लगेगा. फिर भी मैं बताऊंगी हाफ टाइम बिकॉज शुरुआत जो है कि साथ साथ आप लोग मेच्योर भी होते जाते हो. जो जो टेक्निक्स मैं आप लोगों को बताऊंगी और जो स्ट्रोक्स मैं आप लोगों को बताऊंगी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं. मतलब वाटर कलर के लिए सिर्फ वाटर कलर टेक्निक्स जानना जरूरी है क्योंकि कलर के कॉन्सेप्ट कैसे ड्रॉ करना है ये सब कुछ हम लर्न कर चुके हैं. तो जो नए बच्चे मेरे पास हो आप लोगों को नॉलेज तो जरूर है इंटरेस्ट भी है तभी आज आप पेंटिंग क्लास में आए हो. बट हाँ कुछ चीजें हैं जिन जो आप लोगों ने मिस किया है वो है कि एक पूरा आई थिंक हम लोग जून मंथ से स्टार्ट किया है हम लोगों ने क्लासेस या मई मंथ से हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट किया मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है. तो इतने मंथ हम लोग ऑयल पिस्टल्स ही कर रहे थे. तो ऑयल पिस्टल्स के ऑलमोस्ट जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हो चुका है. जो नए बच्चे हो वो आप लोगों को नहीं पता है वो तो फिर थोड़ी हो सकती है दिक्कत हो सकती है थोड़ी परेशान हो जाओ हो सकता है दिक्कत ना भी हो. तो इस माइंड मेकअप से चलना और इसमें भी मैं ABCD से स्टार्ट करूंगी. मतलब आप लोगों को नए बच्चों के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि पहले हम लोग ABCD अल्फाबेट्स लर्न करते फिर हम वर्ड्स लर्न करते फिर हम सेंटेंसेस में जाते हैं. तो ऐसे ही ड्राइंग में भी करना है वाटर कलर में भी मैं ABCD से ही बताऊंगी. बट वाटर कलर में क्या है आप लोगों को बहुत ध्यान से
सुनना है देखना है बिकॉज बाकी बच्चों को बच्चों की कॉन्सेप्ट कंप्लीटली क्लियर है मेरे साथ, क्योंकि हर टीचर का अलग तरीका होता है. तो मेरा जो तरीका है उसमें पुराने बच्चों को पता है क्या है, जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता. तो जहां पे भी है ऑब्वियसली, एक तो आप लोग चैट पे मुझे नॉक करोगे, आप चैट पे बताओगे लिख के, आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके बीच में से नहीं पूछोगे, मैं आंसर नहीं करूंगी, क्योंकि बाकी बच्चे भी काम कर रहे होते हैं, वो डिस्टर्ब हो रहे होंगे. ठीक है, अब चैट पे पूछोगे, फिर इकट्ठा जब हो जाएगा क्वेश्चंस, तब मैं आप लोगों को आके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी कि कहाँ कहाँ आपको क्या दिक्कत हो रही है. तो अभी जो है एकदम एबीसीडी से स्टार्ट करते, ट्री के साथ स्टार्ट करते, कैसे स्काई में कलर को कैसे समझना है, कैसे कलर को लेना है, कैसे प्लेट में लेना है, कहाँ कहाँ कौन से कलर्स होने चाहिए, कौन से कलर्स के साथ क्या क्या कॉम्बिनेशंस है, ब्रश को कैसे लेना है, ब्रश को कैसे रखना है, पानी से ब्रश को कैसे धोना है, कैसे निचोड़ के पानी थोड़ा सा कम करना है, ब्रश में कैसे पानी को कैसे कंट्रोल करते हैं, ये सारी चीजें मैंने बताई है. ब्रश को कैसे क्लीन करके कैसे रखना है, कभी भी पानी में क्यों नहीं ब्रश को छोड़ के रखना चाहिए, ये सब कुछ मैंने वीडियोस में बताई है. बाकी तो मैं आपको बताऊंगी ही, जहां पे मुझे जो भी थोड़ा बहुत लगेगा. तो नाउ मैं अनुभूति मैम को अभी बताऊंगी कि आप लोगों को वीडियो दिखाए, ताकि वीडियोज के थ्रू आप लोग स्टेप बाय स्टेप कर पाओ. ठीक है, प्लीज ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा वॉटर और कौन से ब्रश हम यूज करें, बहुत जरूरी है इसमें ब्रश के साइजेस. हाँ, कौन से साइज का ब्रश, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, ऐसे ब्रशेस होते हैं सेट में. तो कौन से ब्रश हम यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर कौन कितना छोटा काम है, कितना बड़ा काम है, कैसे करना है, पानी कहाँ फैलाना है, ऐसे बहुत छोटी छोटी बातें जरूरी है, वो वीडियो में बताया मैंने. और जो नहीं बताया वो मैं तो हुई आप लोगों को बताने के लिए, पूछना जरूर मुझसे कहीं पे भी डाउट हो रहा है, कुछ हो रहा है. ठीक है, तो मैम ओवर टू यू, आप वीडियो आप अभी प्ले कर सकते हो ताकि इनका क्लास स्टार्ट हो. मैम आपका जब हो जाता है हम लोग इकट्ठा देखेंगे आपका, बीच बीच में आप लोग बोलेंगे नहीं, जैसे ही आपका जहां तक हम रोकते हैं वीडियो, मैम जब बोलेंगे आपको दिखाना है तभी आप लोग दिखाएंगे, उससे पहले आप लोग खाली चैट बॉक्स में लिख देंगे डन, जिसका होता जाएगा. ओके, नोबडी विल अनम्यूट एंड से दैट मैम मेरा हो गया, मैम मेरा हो गया, राइट. यू जस्ट हैव टू राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, जैसे हमें लगेगा कि हाँ 15-20 बच्चों का हो गया, वी विल सी द वर्क, राइट मैम. यस, मैंने अभी बताया था, अभी किसी ने बोला है मैम. कोई बात नहीं. सो मैम द ड्रॉइंग विच इज स्टार्टिंग, इट इज फ्रॉम द मिडिल वाली लाइन ऑलरेडी बनी हुई है उसमें मैम, ये ना ऑलरेडी यहाँ से है स्टार्ट. हाँ, क्योंकि मैम एक्चुअली पुराने नए बच्चों के लिए सोच के मैंने नहीं किया था ये, तो पुराने बच्चों को नो हाउ टू ड्रॉ द सेंट्रल लाइन, तभी मैं कह रही हूँ जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ी दिक्कत तो होगी. तो मैम सेंटर एक बार आप वैसे थोड़ा सा ब्रीफ में बता सकते हैं उनको कैसे लेना है. हाँ जी मैम, आप वेट कर लीजिए मैम 2 मिनट. मैम आ रहे हैं अभी, मैम आपको सेंटर लेना पहले सिखाएंगे, देन यू कैन स्टार्ट विद योर ड्राइंग. अभी कोई भी नहीं करेगा, राइट. आपको बता दिया जाएगा, अभी शांति से आप करो. अभी अभी स्केचिंग करनी है, स्केचिंग के बाद मैम सब बता देंगे. अभी आगे आगे नहीं भागो, पीछे पीछे रहो. ये कॉपी आप लोगों को दिख रही होगी मैम, एक सेकंड में आपको स्पॉटलाइट कर देते. हाँ मैं स्पॉटलाइट में ही हूँ मैम, आई थिंक. हाँ मैं शायद बड़ा कर दूंगी आपको. हाँ स्पीकर व्यू कर दिया. हाँ हाँ जी, एक मिनट.
हाँ जी, आपको ये दिख रहा होगा, ये हमारी कॉपी है. फाइन. अब अगर मैं बोलूं कि सेंटर, तो एकदम ये आता है सेंटर. पर इस सेंटर को परफेक्ट करना जरूरी है. कैसे करेंगे आप? पहले देखो कृषा, कुछ भी करना नहीं है. ये जो पेंसिल है आपके पास, जो पेंसिल है उसको आप इस एंड से ऐसे रखो, रख के आप यहाँ पे एक डॉट क्रिएट करो. ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ऑपोजिट साइड से भी ऐसे रख के आपको दूसरा डॉट क्रिएट करना है. अभी मैं जैसे ऐसे पकड़ी हुई हूँ तो आई डोंट नो कितना परफेक्ट आ रहा है. मैं कोशिश करी, मैं आपको बस टेक्निक बता रही हूँ, आप लोगों को अपने बुक में परफेक्टली करना है. तो ये और ये मैंने ये तो अंदाजे से लगाया था. अगर देखा जाए ये और इसके सेंटर ये नहीं है, कहाँ है? यहाँ है. सेंटर का मतलब है जिस सेंटर से दोनों साइड इक्वली आपके इक्वल डिवाइड है. ओके, तो ये हो गया. आप ऊपर और नीचे का सेंटर लेना है, तो ऊपर और नीचे, ये पेंसिल काफी लंबी है तो कोई बात नहीं, फिर भी हमें थोड़ा सा इस डॉट से क्या होता है, इधर से हमने ले लिया और इधर से भी ले लिया. इस डॉट से क्या होता है, ये जो इतना इतना सा गैप वो कम हो जाता है. देखो अब यहाँ और यहाँ तो ऑलमोस्ट सेंटर यहाँ मीन कर रहा है. ठीक है, नाउ आपको इस पे, आई एम सो सॉरी क्योंकि ऐसे मैं लाइन बना रही हूँ, आपको इसमें एक सेंटर लाइन क्रिएट करना है. ये सेंटर लाइन एक्चुअली हम लोग बाकी वर्क में ऐसे भी क्रिएट करते, पर इस पे जरूरी नहीं है, या इस पे ये पॉइंट ही जरूरी है. तो जो आपके शुरुआत में लाइन दिख रही है ना, वो लाइन ऐसी है, यहाँ पे एक लाइन है. तो इस लाइन को कैसे क्रिएट किया हमने, ऐसे. बाकी बच्चों को पता है कैसे क्रिएट करना, तो मैं और एक बार रिपीट करती हूँ कि इसको करना कैसे, कैसे करना है. इसको यहां से लेके यहाँ एक पॉइंट करना है, फिर इधर से लेके इधर एक पॉइंट करना है, नीचे से लेके पॉइंट करना है, फिर ऊपर से लेके पॉइंट करना है. पॉइंट करने पे क्या होगा, इतना बड़ा जो गैप है ये श्रिंक होके इतने में आ जाएगा, तब जाके हमें आंखों देखी सेंटर निकालना इजी होता है. ठीक है, इसी चीज का और एक प्रोसेस है, वो है स्केल. स्केल में आप यहां से यहां कितना सेंटीमीटर नापो उसका आधा करो और वो उस जगह पे पॉइंट कर दो. ठीक ऊपर और नीचे स्केल को रखो, उसका देखो मेजरमेंट क्या है. अगर 14 है तो 7 होगा, 20 है तो 10 होगा. मतलब इस तरीके से आप डिवाइड करो, पॉइंट करो और लाइन बना लो. बट हो सकता है मैंने शुरुआत से स्केल के इस्तेमाल मैंने मना किया था, मैंने बोला था नहीं करना है स्केल का इस्तेमाल, हम कैसे करेंगे, हम करेंगे दूसरे वे में. बिकॉज हम किसी चीज के ऊपर अपने आप को डिपेंड नहीं होने दे सकते. हम चाहते कि हम जो भी करें वो हम अपने आप से करें, हम किसी के ऊपर, मतलब स्केल अगर आज नहीं है तो पेंसिल तो है, ड्राइंग करने तो बैठो, पेंसिल तो है. ठीक है ना, सोच लो आपके पास पेंसिल भी नहीं है और आपके पास सिर्फ कलर्स और बाकी चीजें, और आपको पेंसिल से कोई ड्रॉइंग नहीं करना, आपको जो करना है वो डायरेक्ट करना है, तो फिर भी आप सोचोगे ना कि ये जो बुक है ये इसका सेंटर है, यहाँ हम ट्री को प्लेस करेंगे, यहाँ हम हाउस को प्लेस करेंगे, यहाँ पे हम फ्लावर को प्लेस करेंगे. तो तब जाके क्या होता है, तब हम, हमारे पास ब्रश तो है, उसी के थ्रू हम थोड़ा सा मेजरमेंट लेके आंखों देखे एक मेजरमेंट निकालेंगे कि ये सेंटर है. Easy? अच्छा, yes, no, fine. So show me yes or no. जो नए बच्चे हो वो भी मुझे yes बताओ और no बताओ. हंशिका, हंशिका आपने कुछ देखा भी, कुछ समझ आया आपको, क्या आप बिजी थे? माइक ऑन कर देना और माइक बंद कर देना. हंशिका आपने देखा है, आपका यस नो कुछ भी नहीं आया मुझे, यस नो पक्का ना बेटा? आई डिड नॉट अंडरस्टैंड. हु टेल योर नेम
ma'am. Better tell your name. Say your name. Who is? Who? Krisha. Ma'am, not me. Okay, you know, not you. Sonia, everyone, yes. So, who is not able to understand? Please tell your name so we can ask from you that why you are not able to understand. Because of Hindi? Beta, you have to speak. Polly? Ma'am? Yes? Aap mujhse puchhe. Nahin, we don't know saying, they are not able to understand. Then we are asking ki kisko samajh mein nahi aaya. Ma'am, mujhe samajh mein aa gaya hai. Okay, fine. अच्छा एक मिनट कैसे आया नहीं नहीं एक्सप्लेन करो किसको समझ पहले नहीं आया था और किसको समझ आ गया कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मैम मुझे समझ आ गया किसको समझ आ गया मैं नहीं पूछू किसको नहीं समझ आया किसी ने बताया मुझे समझ नहीं आया तो क्या वो अपना बेटा आप डर तो नहीं रहे हो डरने की जरूरत नहीं आप अपना नाम दोबारा ले सकते हो और आप हमें दोबारा पूछ सकते हो ताहुना एंड शवानी वी डिड नॉट अंडरस्टैंड मैम ताहुरा मैम आप कैन यू स्पॉट देम यस मैम ट्राइंग टू फाइंड इट आउट वेयर आर दे वेयर इज ताहुरा they are there. Right. Spotting ma'am. Yes, ma'am. They are there with you. Ma'am. Beta, beech mein nahi bolega koi bhi abhi. Taura and Shavani, what you are not able to understand, please tell. Unmute yourself and speak. Don't laugh. Speak. Unmute yourself. Yes. Taura. बारिश मुझे आपकी कॉपी नहीं देखनी है आप पहले मुझसे बात करो तावरा यू हैव टू ओपन योर वीडियो देन यू हैव टू टॉक अदरवाइज यू आर वेस्टिंग अदर्स टाइम ऑल्सो बेटा मैम आई थिंक वी कैन लीव देम बिकॉज दे आर मोर बिजी विद टॉकिंग टू ईच अदर So we can start the class, ma'am, then we'll see. Yeah, Hangshika. What to do after making line, that we will tell you. Don't worry about it. Where are you, Hangshika? No worry, ma'am. Aage chalte hain. Bacche dheere dheere serious. Hangshika has gone somewhere else. Bacche dheere dheere serious honge, ma'am. Okay, ma'am. So we can start with the video, ma'am. Now, everyone, just concentrate on the video. You don't have to watch here and there. Don't do anything now. Just concentrate on your mobile screen or the laptop screen or the tab screen. Okay? And don't unmute in between. So, ma'am ne aapko line banani bata di hai. Uske baad aapko kya karna hai? That is there in the picture. Chhota sa tree create karna hai. Theek hai? Now, यहां से इसके सेंटर में यहां एक और यहां एक सो हमने इसको क्या किया डिवाइड किया फिर डिवाइड किया फिर डिवाइड किया तो यहां पे और एक यहां पे और एक और यहां पे और एक ट्री ठीक है नाउ दिस साइड व्हाट आप लोगों को खुद ही पता है कि हाफ लाइन ये आप कर चुके हो सो आई विल शो यू द वीडियो वंस वन मोर यहां पे स्पेस बच रहा है तो यहाँ एक हो गया सो वन टू थ्री फोर फाइव
बन सकते थे यहाँ पे सिक्स, कोई बात नहीं, ये आपका है। यहां से एक लाइन बनाना है और दैट्स इट। सो अगेन आई एम शोइंग यू द स्केच, ओके, अगेन वॉच इट देन मेक इट। छोटा सा ट्री क्रिएट करना है, ठीक है। नाउ यहां से इसके सेंटर में यहां एक और यहां एक, सो हमने इसको क्या किया, डिवाइड किया, फिर डिवाइड किया, फिर डिवाइड किया, तो यहां पे और एक, यहां पे और एक, और यहाँ पे और एक ट्री, ठीक है। नाउ दिस साइड, दिस साइड व्हाट, आप लोगों को खुद ही पता है कि हाफ लाइन, हाफ लाइन ये आप कर चुके हो, सो ओके, तो यहाँ पे स्पेस बच रहा है, तो यहाँ एक हो गया, सो वन टू थ्री फोर फाइव, बन सकते थे यहाँ पे सिक्स, कोई बात नहीं, ये आपका है। यहाँ से एक लाइन बनाना है और That's it. सबसे मैं पहले मैं कलर के बारे में बता दूं, जब भी आप इस कलर का ये कैप को खोलोगे तो वो एक वाइट दिखेगा, उसको निकालने के बाद इसको जब आप इस, ये मेरी पुराना कलर है, बट जो नए कलर्स होंगे प्लीज कहीं से भी दबाना नहीं है, एकदम एंड में दबाना है, और जितना थोड़ा सा कलर निकलता है उतना ही कलर को प्लेट के अंदर करना है, ठीक है। हाँ जी, सो वी आर डूइंग इट टिल नाउ, अभी यहां तक हम स्केच करेंगे पहले। मैम थोड़ा नीचे दिखा दीजिए। नीचे कुछ भी नहीं है बच्चा, नीचे मैम ने एक लाइन बनाई है, देखो बस ये रही, ओके। स्केचिंग बहुत ज्यादा हार्ड नहीं कीजिएगा, बहुत ज्यादा तेज पेंसिल चला के नहीं कीजिएगा, वरना कलर्स आप करेंगे वाटर कलर्स तो नीचे से स्केच पेंसिल का वो दिखेगा फिर, और बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं कीजिएगा। Srishti, you can write down in the chat box if you have to ask anything. Srishti Adhikari. Hello, ma'am. Yes. Ma'am, please bada wala tree dikhaiye na. Okay. ठीक है मैम,
बच्चे मैं एक बात बोलना चाहूंगी, ये जो हाफ लाइन है, कोई भी ट्रंक इस हाफ लाइन से ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है? तो ट्री का देखो, ऊपर का हिस्सा जो ग्रीन वाला हिस्सा है और जो ट्रंक वाला हिस्सा, ये इक्वल हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है? इसको ध्यान में रखना है कि ऐसा ना हो कि बहुत आपने लंबा कर दिया या बहुत छोटा कर दिया। तो जो हाफ लाइन है ना, मेंटेन दिस। मैम ड्राइंग को अच्छे से दिखाइए। इसको दिखाऊं अच्छे से? मैम मेरा नाम मयंक है, मुझे दिखाइए। मयंक आपको दिखा रही हूँ, मैंने तो सबको दिखा रही हूँ। मैम पिक्चर मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया। आपको दोबारा मैं दिखा रही हूँ, दोबारा से वीडियो। बीच में कोई भी नहीं बोलेगा, आप डन लिखेंगे बस। एक बार और मैं कर रही हूँ। छोटा सा। आप लोग ज्यादा अनम्यूट करके ऐसे बोलो मत, चैट पे आप लोग लिखो। सेकंड, जब हम दिखाते हैं उस टाइम आप लोगों को देखना है, उस टाइम एक दूसरे से बात नहीं करना। तो हम लोग 2-3 times हम दिखाएंगे, उसके बाद कोई भी रिक्वेस्ट कर दे फिर भी हम नहीं दिखाएंगे। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोग टाइम पास कर लेते हो पहले, उसके बाद आप लोग बाकी बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे होते हो, जो बच्चे सीरियसली वर्क कर रहे हैं। सो मैम दिस इज लास्ट टाइम कि आप इनको दिखा रहे हो, इसके बाद आप किसी के रिक्वेस्ट पे आप नहीं दिखाओगे। मैम इनको सीरियसली 3 times देखना है जब हम दिखाएंगे। अगर उसके बाद ये पूछते हैं तो उनको यूट्यूब से देखना है। मैम क्लास डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ठीक है? मैम छोटा सा ट्री क्रिएट करना है, ठीक है? नाउ यहां से इसके सेंटर में यहां एक और यहां एक। सो हमने इसको क्या किया, डिवाइड किया, फिर डिवाइड किया, फिर डिवाइड किया। तो यहां पे और एक, यहां पे और एक, और यहां पे और एक ट्री, ठीक है? नाउ दिस साइड, दिस साइड व्हाट? आप लोगों को खुद ही पता है कि हाफ लाइन, हाफ लाइन ये आप कर चुके हो। सो ओके, तो यहाँ पे स्पेस बच रहा है, तो यहाँ एक हो गया। सो 1, 2, 3, 4, 5 बन सकते थे, यहाँ पे 6 कोई बात नहीं, ये आपका है। यहाँ से एक लाइन और सबसे मैं पहले मैं कलर के बारे में बता दूं। मैम आप बच्चों का देख लें क्या एक बार? हाँ जी मैम, एक साथ ही देख लें मैम। हाँ जी मैम, कुछ यस आ गए हमारे पास, ठीक है मैम। कृषा आप थोड़ा सा पास करो तो बेटा। अरहांशिका आपका ना आई थिंक कैमरा जो है वो उल्टा हो गया है। अदिति आप दिखा दोगे बेटा? पहले हंशिका, अदिति और कृषा दिखाओ। कृषा बेटा आपने ना जो ट्रीज को प्लेस किया है ना वो आपने रैंडमली कर दिया, तो वो रैंडमली नहीं करना था। उनको ना सेंटर टू सेंटर करके उनको डिवाइड करके फिर प्लेस करना था, ठीक है? आदिति आपका ठीक है? ये कौन है?
रंजीत दिखाओ, मैं नाम लेती जाऊंगी आप लोग दिखाते जाना। रंजीत दिखाओ, जब हम बोलते हैं ना दिखाओ तो आप लोगों को रेडी होना है कि हाँ दिखाना है हमें। ठीक है, ठीक है, फाइन। मुकेश, दिशा, पीयूष, पीयूष मोहित एंड सोनी दिखाओ। ठीक है पीयूष, मुकेश ठीक है, दिशा, पीयूष आपको समझ नहीं आ रहा? लास्ट क्लास में भी आप लोगों को मैं बुलाती रहेगी, आप लोग गायब हो गए थे। दिशा दिखा बेटा, दिशा दास दिखाओ, ठीक है, सोनी दिखाओ, सोनी बच्चा दिखाओ, मैम अभी दिशा पीयूष, दिशा पीयूष आपका कुछ नहीं समझ आया। पॉली रियशो ओके दूतो ठाकुर के ये को रेट दिया शो में जो मैं किसको इतनी हंसी आ रही है? ठीक है भार्वी, भार्वी दिखाओ। ओ मूव हो गया मंजूषा, ठीक है फाइन। आई थिंक प्रियांशु, प्रियांशु आपने लेफ्ट साइड पे बना दिया, ये राइट साइड पे बनाते हैं बच्चे, लेफ्ट साइड पे नहीं बनाते हैं। तासीफा आपका ना एकदम क्लियर नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ ठीक है फाइन ओके। उर्वा, सरस्वती का देख लिया मैंने। भाविया बहुत डार्क बनाया आपने, दिखाई तो बहुत अच्छा दे रहा है बट वाटर के लिए इतना डार्क ड्रॉइंग नहीं करते। ठीक है ओके हाँ उर्वा दिखाई दिया। अभिज्ञान नहीं दिखाई दे रहा है बच्चा, अभिज्ञान ये आप लोग लाइट के ऑपोजिट में क्यों बैठते हो, लाइट के ऑपोजिट में क्यों नहीं बैठते हो? निधि ठीक है, मुस्कान, पुष्पा, पुष्पा मुस्कान, अजमीरा, स्वीटी शाह, अनन्या, अनन्या अनन्या सतवानी, यस मैम, यस मैम, दिखाओ दिखा दो बेटा। पुष्पा दिखाओ, अनाया सत्यानी इज माय नेम, अनाया ओके ओके फाइन, अनाया सत्यानी प्लीज दिखा दो बेटा। मेरा नहीं देखा मैम, आपने नहीं दिखाया, आपने दिखाया बेटा मेरे स्क्रीन में ही हो बट आपने तो दिखाया ही नहीं मैम। ठीक है फाइन मैम, अनाया सतवानी को मैं ढूंढ नहीं पा रही हूँ मैम। मैम बेटा एक एक करके देख रहे हैं, रुको 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 मैम, माही का हो गया मैम, ठीक है माही का, अनन्या सत्या का मैम, आप भी आधे में देख लो, मैं जितना देख सकती हूँ मैं भी देख लेती हूँ मैम। जी बोलिए मैम, मेरा देख लिया आपने? सुनो एक तो मैम नहीं करना है, पहले अपना नाम बोलो फिर आगे बढ़ना। सोनी का देख लिया, सोनी का ठीक है, देख लिया मैम। कृतिका साहू और रुद्राक्ष का देख लिया ठीक है, नितेश और उनका देख लिया ठीक है, और अभिज्ञान, अभिज्ञान पास से दिखाओ नहीं दिख रहा, अभिज्ञान का देख लिया मैम, विनुषा का देख लिया मैम ठीक है, ये कौन बीच में मैम बोल रहे हैं, पहले नाम बताओगे कौन बोल रहा है मैम? नाम बताओ, नाम क्या है आपका? हाँ आप दिखाइए, आप दिखाइए, चलिए इनके स्पॉटलाइट कर देती हूँ मैम। हाँ ठीक है मैम दिखाइए बेटा, नाम क्या है जो बार बार मैम बोल रहे हैं उसका नाम क्या है, पहले नाम बताओ। अनन्या, दिस पिक्चर अनन्या,
अनाया आपके पास में आ रही हूँ, थोड़ा वेट कर रहे हो अनाया। यस प्रिशा आपने दिखाया, आपने नहीं दिखाया शायद। आई विल कलर मैम इट, आई विल कलर इट। नो 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 यू विल नॉट एंड यू विल नॉट अनम्यूट इन बिटवीन। मैम विल टेल यू, यू आर देयर टू लर्न। प्रिशा आई एम वेटिंग। कैन यू गो टू, बैठने की जरूरत ही नहीं थी यहां पर मैम। यस मैम कैन यू शो वन टाइम, आई लेफ्ट बिकॉज़ ऑफ नेटवर्क। आई शोड मैम। वेट वी विल डू दैट, वेट मेरा देखिए। Prisha, you should write down in the chat also, okay, ma'am, I'm not able to like draw it, fine? Okay, ma'am. Fine. Otherwise, ma'am, aap aise hi baithe reh jate, main jab tak aapse poochti nahi tab wo. Aap sare apne apne na screen pe apna work rakho, main fatafat dekhti hu, theek hai? Main ek ek karke naam poochungi, sare log confuse hote rahoge, theek hai? Sare log apna work dikha do bas screen par, samne kar do. Everyone, Aditi. एक कोई नाम है Redmi करके, आई थिंक ये फोन का नेम होगा, प्लीज अपना। हाँ वेरी गुड। निगार ओपन योर वीडियो। अंशिका शाहू काफी देर से आप गायब थे, कैन यू प्लीज शो मी योर वर्क। पीयूष मोहित अंशिका कैन यू शो योर वर्क, दिखाइए पहले बेटा वर्क दिखाओ अपना। विनुषा अनुषा कौन है आप? फाइन मैम, अनाया को स्पॉट कर दीजिए प्लीज। मैम कर रही हूँ, अनाया स्पॉटी है मैम। अच्छा एक मिनट, जस्ट अ मिनट मैम, मुझे वापस जाने में टाइम लगता है। यस मैम। यस मुझे यही डर था अनाया के साथ। अनाया ये बिग वाली जो ट्री है उसका ये हाल क्यों है? मैं और एक बार, एक अनाया का गलत है, एक और बच्चे का गलत है, मैंने शुरू में पकड़ा था, ठीक है? तो आप लोगों को मैं दोबारा हम वीडियो दो बार अभी फिर से दिखाएंगे ड्राइंग का। बहुत ध्यान से देखो सेंटर, सेंटर हम कैसे डिसाइड करते, पहले छोटा वाला ट्री जो है वो हम सेंटर में बनाते हैं, फिर उसके बाद और एक प्लेस करते, उसके सेंटर में प्लेस करते, ऐसे हमने हर सेंटर को तोड़ते हैं, ठीक है अनाया? अनाया आई एम टॉकिंग विथ यू, आपकी ड्रॉइंग स्केचिंग गलत है। हम दो बार और आपको दिखाएंगे, आपको इसको मिटाने की जरूरत नहीं है, आप नेक्स्ट पेज में चले जाओगे और वहां से वर्क करोगे, ठीक है? तो दो बार और दिखा रहे हैं और बहुत ध्यान से देखना है कि हमने कैसे बनाया था। आपको आपको हम जो बता रहे वो देखना है, आपको घर पे जो भी है उनसे नहीं डिस्कस करना है, ठीक है? ओके मैम। आपको मतलब मामा आपको नहीं गाइड कर पाएंगी, सिर्फ मैं गाइड कर पाऊंगी आपको, ठीक है? तो हम दो टाइम और दिखाएंगे आपको, मैं वो भी बता देती हूँ कि आप ध्यान ना अपना जहाँ हमारा स्क्रीन है वहां रखोगे, अगर इधर उधर ध्यान रहा। ओके पहले सेटल होके बैठ जाओ, इधर उधर ध्यान रख गए ना बेटा तो आप नहीं कर पाओगे। सो न्यू पेज खोलो, न्यू पेज खोलो, सेंटर लाइन क्रिएट करना, मैंने बताया था आपको, समझ आया था? कौन सी सेंटर लाइन ना? वाओ कहाँ थे अनाया आप इतनी देर? सेंटर कैसे क्रिएट करते हैं अनाया? Unmute yourself, unmute and talk to me. Center कैसे create करते हैं? दोबारा से करो बेटा एक बार, unmute दोबारा करो। हाँ दोबारा बोलो, center कैसे create करते हैं? Yes ma'am, we are में corner में ऐसी ऐसी line निकालनी है। कैसे, कैसी कैसी line निकालनी है? One minute. Okay. आज अनाया सबको बताएगी कैसे सेंटर निकालते हैं, ठीक है अनाया शो। उसने सीधे सीधे लाइन बना दी मैम एक। मुझे पता है तभी तो मैं एक बार बस वो कर रही थी। अनाया उसको ना थोड़ा मेजर करते हैं, मेजर करके फिर निकालते हैं, ऐसे नहीं कि रैंडमली हमने सेंटर में एक लाइन बना दिया। ओके हम इसको डिवाइड करते, कैसे डिवाइड करते हैं देखो, और बाकी बच्चे भी देख लो, सारे लोग देख लो अब एक बार और। ये सेंटर में मैंने सबसे पहले पॉइंट किया था,
बट वो रेंडमली था, ठीक है। अभी क्या करना है, एक अंदाजे से सेंटर इसका लेना है और यहाँ पे पेंसिल रखना है और आपको यहाँ पे एक डॉट क्रिएट करना है, ठीक। वैसे ही ऑपोजिट साइड से भी पेंसिल को रखना है, यहाँ पे एक डॉट क्रिएट करना है। जैसे हमने दोनों साइड का डॉट क्रिएट किया तो हमारी जो इतनी लंबी ये जो स्पेस थी पिंक होके इतने में आ गई। जैसे इतने आ गई तो हमें थोड़ा सा हेल्प हो गया, आंखों देखे हम उसके सेंटर में पॉइंट कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा मतलब परफेक्ट तो नहीं बट ठीक है, ओके। ठीक ऐसे ही हमें नीचे से भी पेंसिल को प्लेस करना है, पॉइंट करना है, ऊपर से भी पेंसिल को प्लेस करना है, पॉइंट करना है, और फिर हमें हमारा इतना लंबा स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है, उससे आंखों देखिए हमें भी एक एक पॉइंट करके उसको डिसाइड करना होता है कि ये जो फुल पेज है इसका ये सेंटर है। इजी। अब जो ये सेंटर मिला उसी सेंटर में आपको इस लाइन को क्रिएट करना है। जिस ड्राइंग में आपको ये लाइन क्रिएट करना है उसमें इसको, बट इस ड्राइंग में आपको इस लाइन का क्रिएट नहीं करना है। अब नेक्स्ट में क्या होता है, नेक्स्ट में हम यहाँ एक छोटा सा ट्री बनाते हैं, ट्री क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब यहाँ से यहाँ इस ये सेंटर हो गया, मतलब ये जो लाइन है इसको डिवाइड किया तो यहाँ सेंटर हो गया। फिर हम यहाँ पे एक छोटा सा ट्री क्रिएट करते हैं, तो हमें मिल गया इन दोनों के बीच में एक स्पेस, तो हम इनके भी सेंटर में लेते हैं और यहाँ पे भी एक और ट्री क्रिएट करते हैं। नाउ रह गया ये जगह, यहाँ पे हमें ट्री क्रिएट करते हैं, हो गया। नाउ देखो यहाँ से ये हाफ स्पेस है, हमें एक बिग ट्री क्रिएट करना है, तो उस बिग ट्री को अनाया आपने क्या किया, यहाँ पे क्रिएट कर दिया, यहाँ पे क्रिएट कर दिया। नो इसको ये जो लाइन यहाँ से यहाँ है उसके सेंटर में क्रिएट करना है। तो सेंटर में क्रिएट करते टाइम हमने ये ध्यान में रखना है कि इसका जो ट्रंक लाइन है वो हमारा सेंटर से थोड़ा यहां तक ही रहेगा, इसके ऊपर नहीं जाना है। और इसको भी ट्री को भी हमने ऐसे बनाना है, ऐसे और ऐसे ट्री के ट्रंक नहीं बनाने, स्ट्रेट टू लाइंस उनको हमें एक्सटेंड करना है, ठीक है मैम। मैम इसको यहाँ से कैसे करना है, ये यहाँ से फिर यहाँ तक कर ली, फिर आगे इसे कैसे करना है, वी बनाना है। ऊपर से ये पूरा बताऊंगी मैं, ये हमने सिर्फ एक वी बनाया और एक फ्लैट ए बनाया अभी तक। अगर उनके रूट्स को और एक्सटेंड करना है तो हम फिर और ऐसे इस टाइप के शेप में हम इनको करते जाएंगे, ठीक है। ऊपर से हमें इस ट्री का हमें देखना है कि जितना ट्रंक है उतना ही ये ग्रीन पोर्शन भी होना चाहिए, बुश पोर्शन। तो इसको हम एक थ्री के शेप में, एक उल्टा थ्री और एक सीधा थ्री के शेप में ऐसे ट्री को हम बनाएंगे। अब अगर हमारे साइड में और स्पेस बच गए तो फिर हम वहां पे एक छोटा ट्री बनाएंगे। ये जो छोटे ट्री हम मैं इतने सारे बनवा रही हूँ ये प्रैक्टिस के लिए एक्चुअली। अब जिन जिन्होंने यहाँ पे रैंडमली खूब सारे ट्री बना दिया उनको समझ आया हमें कि ट्री की प्लेसमेंट कैसे करनी थी, आई थिंक सो उनको समझ आ गया कि हमें ट्री की प्लेसमेंट कैसे करनी थी। एक्चुअली हम कहीं ना कहीं मैथ्स को यूज कर रहे हैं, देखो तो मैथ्स यूज हो रही है हमारी पूरे इसमें। हाफ है ये हाफ है, फिर उसका हाफ है, फिर उसका हाफ है, तो हर चीज को हम हाफ हाफ डिवाइड कर रहे हैं और इक्वली हम प्लेस कर रहे हैं हर चीज को, राइट। ठीक है, सो आगे हम करते हैं। और अनाया प्लीज मेरे को 2 मिनट लगते बच्चों से बात करके कौन सा बच्चा ध्यान से देखता है कौन सा बच्चा नहीं, तो आप उनमें से हो जो आपने ध्यान से कुछ भी नहीं देखा। जब तक आप ध्यान से नहीं देखोगे आप नहीं कर पाओगे, और जब तक आप सही नहीं करोगे मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं आपको सही करा के ही छोड़ूंगी,
तो ऐसा नहीं है कि ओके अनाया ने जो किया इट्स ओके, मैं ओके में तो नहीं छोड़ूंगी, मुझे फुल ओके चाहिए। ठीक है बच्चा। सो बाकी बच्चे, सिर्फ अनाया के लिए बातें नहीं थी, आप सबके लिए, जो जो पुराने बच्चे वो तो मेरे बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, वो लोग डांट खा के वो ठीक हो गए। अब जो नए बच्चे हो प्लीज आप लोगों को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, सीखना जरूरी है और परफेक्टली सीखना जरूरी है, ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडमली बना दिया हमने। तो अभी 5-6 मिनट्स ताकि जिन्होंने गलतियां की है वो अपनी गलतियों को ठीक कर पाओ, और जिन्होंने बहुत ही खराब कर दिया, बहुत ही गड़बड़े, टाइम इरेज करने में टाइम लग रहा है, प्लीज नेक्स्ट पेज पे चले जाओ और उसको फ्रेश बना दो। फिर उसके बाद हम आफ्टर 5-7 मिनट्स उसके बाद हम न्यू वीडियोस शो करेंगे ताकि आप लोग आगे कलरिंग स्टार्ट कर पाओ। ओके, एंड एक और चीज है, ये जो है ना, यहां से हमने एक डबल लाइन को क्रिएट किया है एंड तक। ठीक, हमने इसको भी ना एक पैड दिया है, ये अनाया आपने इसको ऐसे करके राउंड कर दिया। नो, लैंड का ये हिस्सा है और ये वाटर है। ठीक है, मैंने रिपीट कर दिया तो आई डोंट थिंक हमें दोबारा वीडियो दिखाने की जरूरत है, मैंने खुद ही रिपीट कर दिया पूरा। तो हम बस पिक्चर शो करेंगे अभी, बाकी आप लोग इसको बना के करेक्ट करो। आफ्टर 7 मिनट्स वी विल प्ले न्यू वीडियोस। Ma'am, can I play the video further? No, ma'am, I don't think so. No need, because मैंने सारा explain कर दिया है ma'am. नहीं, आगे. Ma'am, अभी थोड़ी देर रुक जाइए, वो जो जो काफी बच्चों ने ना थोड़ा थोड़ा गलत किया था वो थोड़ा करेक्ट कर ले. ठीक है, आप बता दीजिएगा फिर मुझे. हाँ जी ma'am.
मैम आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहे हैं लक्ष्मण, बताओ। हाँ मैम, ये उद्यान कह रहे हैं कि उनके पास जो है वो ब्लू कलर नहीं है, एक्रेलिक कलर्स हैं, तो क्या उन्हें यूज कर सकते हैं? वाटर कलर है उसमें एक्रेलिक, आई डोंट नो कैसे, बट करने दो, कोई बात नहीं, अगर है ही नहीं तो एक्रेलिक से यूज करें। बट उद्यान कोशिश करो कि आपके पास वाटर कलर हो नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, हाँ नितेश देख लिया हमने आपके पास है कलर। हाँ जी मैम, अभी आगे करे, अभी कल आगे। ठीक है, होप बच्चे आप लोगों ने अपना अपना कर लिया है। अगर जिन जिन का थोड़ा बहुत भी रह जाता है, आप पहले ये वीडियो देखो, उसके बाद अपने काम को आगे पूरा कर लेना। अनाया मुझे पता है आपको थोड़ा टाइम लग रहा होगा, बट बेटा अभी ध्यान से पूरे वीडियो को देखो। सृष्टि आपने इतना बनाया है वो हमने देख लिया है, आप आगे का वीडियो देखो। ठीक है, और पेरेंट्स मुझे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब हमारा क्लास चल रहा हो आप साइड से प्लीज गाइड ना करें, तो बच्चे क्या होता है कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो उनको लगता है किसका देखे किसका सुने, हमारा सुने आपका सुने, तो प्लीज आप लोग बच्चों को गाइड मत करिए, वो लोग कैसे करना चाहते। हो सकता है फर्स्ट क्लास उनको थोड़ी दिक्कत हो, सेकंड क्लास दिक्कत हो, बट थर्ड क्लास से दिक्कत नहीं होगी, उनको हैबिट हो जाएगा कैसे हमारा सुनना है, हमारा देखना है और आगे करना है। तो प्लीज आप लोग साइड से उनको गाइड मत किया कीजिए, हेल्प भी मत करिए, बच्चों को अपने आप में सीखने दीजिए, किसी के ऊपर डिपेंड होना मत सिखाइए। मैम शुड आई शो? यस मैम। अच्छा सब लोग अपने सारे पेंसिल वेंसिल सब कुछ साइड में रख दो, कीप योर पेंसिल एवरीथिंग ऑन द साइड एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द वीडियो, लिसन व्हाट मैम इज सेइंग, नो वन विल डू एनीथिंग इन बिटवीन। ओके श्रवस्ती सरस्वती कॉन्सेंट्रेट। सबसे मैं पहले मैं कलर के बारे में बता दूं, जब भी आप इस कलर का ये कैप को खोलोगे तो वो एक वाइट दिखेगा, उसको निकालने के बाद इसको जब आप इस सियाज, ये मेरी पुराना कलर है बट जो नए कलर्स होंगे प्लीज़ कहीं से भी दबाना नहीं है, एकदम एंड में दबाना है और जितना थोड़ा सा कलर निकलता है उतना ही कलर को प्लेट के अंदर करना है। ठीक है, जैसे मैंने ऐसे आराम से दबाया, ऐसा नहीं है कि ऊपर से दबा दिया, तो प्लीज़ थोड़ा मेंटेन करना, टूथपेस्ट की तरह कहीं से भी मत दबाना। नाउ ये कलर हमने प्लेट में लिया, सो प्लेट में
बहुत सोच समझ के बहुत आराम से कलर्स को लेना है। सबसे पहले हमने लिया ब्लू कलर, क्योंकि हमें सबसे पहले करना है स्काई में ब्लू कलर। ठीक है, नाउ नंबर एट नंबर ब्रश मैंने लिया है और मैंने खाली पानी लिया है, खाली पानी। ठीक है, और मैं कलर्स को पानी को स्प्रेड करने लग गई। पानी को मैंने यहाँ पे जो खाली जहाँ पे हमें कलर करना है, ट्री के अंदर नहीं आना चाहिए पानी, तो जहाँ जहाँ पे कलर को करना है, जैसे स्काई में कलर करना है तो स्काई में पूरे में यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में कलर को स्प्रेड करना। ठीक है, और ने थोड़ा सा कॉर्नर से कलर को लिया है, बहुत कॉर्नर से। ठीक है, पूरा ऐसे से नहीं किया, कॉर्नर से कलर को लिया है। लेके हमने क्या किया, देखो यहाँ पे ऑलरेडी पानी फैला हुआ है, तो जैसे ही मैं कलर को यहाँ पे लगाती है कलर स्प्रेड होने लग गया। तो इस पे क्या है कि पहले से आउटलाइन करके नहीं रखते, आउटलाइन के साथ साथ ही इसको कलर को करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कलर हो गया तो इस कलर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ स्प्रेड करते हैं। ऑलरेडी पानी इसमें है तो अगर ज़रूरत पड़े, अगर लगे कि ड्राई हो रहा है तो ही थोड़ा सा पानी लेना है। वो भी जब हमें पानी लेना होता है तो पानी ऐसे लेना है और साथ में ऐसे इसको निचोड़ना भी है। ठीक है, तो ये हो गया डार्क टू लाइट, इसका इफेक्ट हो गया। फिर से मैं दिखा रही हूँ, आउटलाइन पहले से नहीं करना है, आउटलाइन के साथ साथ ही स्प्रेड करना है। ये आ गया, यहाँ जाते जाते मुझे फील हो रहा है कि पानी कम हो रहा है, तो मैंने एक बार धो लिया और ऐसे निचोड़ लिया। ओके, एंड इसको ताकि ब्रश में ज़्यादा पानी भी ना आ जाए, ऐसा ना हो आपने डिप किया और इसको डायरेक्ट डाल दिया तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा। सो ऐसे निचोड़ना बहुत ज़रूरी है, ऐसे निचोड़ के ऊपर ऐसे ही पूरे ही स्काई में करना है आपको। आप लोग सारे देखो इधर उधर, कहाँ देख रहे हो सीटी, और आप लोग को फिर समझ में नहीं आएगा, फिर परेशान होगे। कृषा यू हैव टू सी, और मिलाना भी है जहाँ पे थोड़ा ज्यादा उसके साथ इसको स्प्रेड कर, पीयूष इसको बनाना भी है। बहुत ज्यादा रगड़ना नहीं है, नहीं तो ऐसे बबल्स आ जाते जो एकदम अच्छा नहीं लगता, अच्छा फील भी नहीं आता। नेक्स्ट हमें लेने हैं कुछ और। मैम इसको ही दोबारा दिखाओ ना, हाँ जी मैम, सबसे मैं पहले मैं कलर के बारे में बता दूं। जब भी आप इस कलर का ये कैप को खोलोगे तो एक वाइट दिखेगा, उसको निकालने के बाद इसको जब आप इस यहाँ, ये मेरी पुराना कलर है, ठीक है, जैसे मैंने ऐसे आराम से दबाया, ऐसा नहीं है कि ऊपर से दबा दिया, तो प्लीज थोड़ा मेंटेन करना, टूथपेस्ट की तरह कहीं से भी मत दबाना। नाउ ये कलर हमने प्लेट में लिया, सो प्लेट में बहुत सोच समझ के बहुत आराम से कलर्स को लेना है। सबसे पहले हमने लिया ब्लू कलर, क्योंकि हमें सबसे पहले करना है स्काई में ब्लू कलर। ठीक है, नाउ नंबर एट नंबर ब्रश मैंने लिया है और मैंने खाली पानी लिया है, खाली पानी। ठीक है, और मैं कलर्स को पानी को स्प्रेड करने लग गई। पानी को मैंने यहाँ पे जो खाली जहाँ पे हमें कलर करना है, ट्री के अंदर नहीं आना चाहिए पानी, तो जहाँ जहाँ पे कलर को करना है
जैसे स्काई में कलर करना है तो स्काई में पूरे में यहां से लेके यहां तक पूरे में कलर को स्प्रेड करना, ठीक है। और थोड़ा सा कॉर्नर से कलर को लिया है, बहुत कॉर्नर से, ठीक है, पूरा ऐसे से नहीं किया, कॉर्नर से कलर को लिया है। लेके हमने क्या किया, देखो यहाँ पे ऑलरेडी पानी फैला हुआ है, तो जैसे ही मैं कलर को यहाँ पे लगाती है कलर स्प्रेड होने लग गया। तो इस पे क्या है कि पहले से आउटलाइन करके नहीं रखते, आउटलाइन के साथ साथ ही इसको कलर को करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कलर हो गया तो इस कलर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ स्प्रेड करते हैं। ऑलरेडी पानी इसमें है तो अगर ज़रूरत पड़े, अगर लगे कि ड्राई हो रहा है तो ही थोड़ा सा पानी लेना है, वो भी जब हमें पानी लेना होता है तो पानी ऐसे लेना है और साथ में ऐसे इसको निचोड़ना भी है, ठीक है। तो ये हो गया डार्क टू लाइट, इसका इफेक्ट हो गया। फिर से मैं दिखा रही हूँ, आउटलाइन पहले से नहीं करना है, आउटलाइन के साथ साथ ही स्प्रेड करना है। ये आ गया, यहाँ जाते जाते मुझे फील हो रहा है कि पानी कम हो रहा है, तो मैंने एक बार धो लिया और ऐसे निचोड़ लिया, ओके, एंड इसको, ताकि ब्रश में ज़्यादा पानी भी ना आ जाए, ऐसा ना हो आपने डिप किया और इसको डायरेक्ट डाल दिया तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा। सो ऐसे निचोड़ना बहुत ज़रूरी है, ऐसे निचोड़ के ऊपर ऐसे ही पूरे ही स्काई में करना है आप। और मिलाना भी है जहां पे थोड़ा ज्यादा उसके साथ इसको स्प्रेड करके इसको मिलाना भी है। बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, नहीं तो ऐसे बबल्स आ जाते जो एकदम अच्छा नहीं लगता, अच्छा फील भी नहीं आता। नेक्स्ट हमें लेने हैं कुछ और कलर्स, कैसे ऐड करना है कलर्स को मैं बताती हूँ। मैम यही तक दिखाते हैं मैम, इतना ही करने देते हैं आज। मैं म्यूट करके बोले जा रही हूँ। अच्छा अलग कीजिए मैम, बस यही तक करवाते हैं। हाँ मैम, 8 नंबर ब्रश नहीं है तो इनको क्या बोलना है। कोई भी ले लो, 7 ले लो, 6 ले लो, 10 ले लो, ठीक है। छोटी ब्रश से भी कर सकते हो, धीरे धीरे, उस पर टाइम लगता है, बट पानी जब आप फैलाओगे ध्यान रखना कि स्काई में फैला रहे हो, तो स्काई के लिए फैला रहे हो तो सिर्फ स्काई में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो ट्री के अंदर। फिर जैसे ही आप कलर फैलाओगे, जहां जहां पे पानी फैलेगा ना, वहां वहां वो कलर स्प्रेड हो जाएगा। सो बी केयरफुल, ठीक है, कर लो बच्चे। मैम हार्वी पूछ रहे हैं, मैम फ्लैट वाला ब्रश चाहिए या राउंड वाला। राउंड राउंड बेटा, राउंड हो तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो फ्लैट यूज करें, बट राउंड ही प्रेफरेबल है।
मैं झूठ जिनके पास ब्लू कलर नहीं है या सूख गया है, उस ट्यूब को ना आपसे आपको पीछे से खोल के उसमें से वो कलर निकालना पड़ेगा जो सूख गया है। आप सूखे हुए कलर प्लेट में आप डालोगे और उसमें अगर वाटर ड्रॉप डालोगे तो वो सेटल हो जाता है, उसको हम आगे यूज कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास वाटर कलर नहीं है प्लीज ट्राई टू अरेंज इट, क्योंकि आप लोगों को पता है वाटर कलर क्लास स्टार्ट हुआ है। तो आज अगर आप नहीं है तो जितना कर सकते हो स्केचिंग उतना करो, एंड आप लोग बाकी जो है वो यूट्यूब से देख के नेक्स्ट वीक तक क्लास होने से लेके जहां तक आज होगा वहां तक कर लेना। जिनके पास 8 नंबर ब्रश नहीं है वो कोई भी दूसरा ब्रश भी यूज कर सकते हैं, राउंड ब्रश प्रेफरेबल है। जिनके पास एक्रिलिक कलर्स है वो भी कोशिश करना कि वाटर कलर आप अरेंज कर लो।
मैम कैन वी सी, बच्चों ने कर लिया है काफी ने। हाँ जी मैम, अब तो स्टार्ट करना पड़ेगा देखना। और काफी, और जो बच्चे आपने पूरा किया नहीं है आप कंटिन्यू करते रहना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे शुरुआत का ही देखना है कि आप लोग सही जा रहे हो कि गलत जा रहे हो। ठीक है, तो बी रेडी, मैं अभी देखती हूँ सबका एक साथ स्क्रीन में आप वैसे दिखाना और हम वन बाय वन हम देख लेंगे। मैम दिशा दिखा रही है। मैम मुझे दिख नहीं रहा है। मैम सिर्फ दिशा नहीं, मैम सबको एक साथ दिखाना है। प्रियांशु आपके साइड में भी होगा वो कलर, लेफ्ट साइड में भी होगा, राइट साइड में। प्रियांशु यू कैन नॉट अनम्यूट, राइट साइड में भी करो, पूरा करो पहले उसको। हाँ थोड़ा कृष्णा, थोड़ा सा क्लोज करो बेटा। ठीक है कृष्णा, और थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि आपके कई कई जगह पे कलर्स ना ऐसे ही रह रहे हैं, उसको और स्मूथली करना है। आप लोगों को समझ नहीं आया कि मैंने पूछा सब अपना वर्क स्क्रीन पे दिखाओ मुझे? सब लोग पहले वर्क दिखाओ, जितना भी हुआ है उतना दिखा दो। सब अपने अपने वर्क स्क्रीन पे रखो, इसके बाद मैं पूछूंगी नहीं, बस मैं क्लास लीव कर जाऊंगी। उर्वा आपको बोला है कि वर्क दिखाओ। उर्वा डायरेक्शन नहीं चेंज करना है, स्लीपिंग डायरेक्शन मतलब पूरे में स्लीपिंग डायरेक्शन से होगा। साइड से आपको मन के आपने स्टैंडिंग कर दिया, बाकी आप स्लीपिंग कर रहे हो ऐसे नहीं करना है। स्वीटी पीयूष पीयूष मोई देख लिया, स्वीटी शाह, निधि हो गया, फाइन आदिति, वेरी नाइस, नाइसली डन यू हैव। मुकेश, मुकेश और अनिशा गायब है। अनाया खूब सारा कलर, अनाया खूब सारा कलर डाल दिया बेटा, इतना सारा कलर नहीं डालना था, थोड़ा कम डाल के उसी को स्प्रेड करना था। वेरी नाइस नितेश, बहुत अच्छा किया है। हाँ रितेश भी बहुत अच्छा किया है, वेरी गुड। सृष्टि आपने बहुत सारा कलर डाल दिया है, बहुत सारा डार्क कलर हो गया है। आप विज्ञान इस तरीके से काम क्यों कर रहे हो, आधा अधूरा? ठीक है श्रावस्ती आपको नहीं दिखाना है, सोनी आपको दिखाना नहीं है। सर मैम श्रावस्ती का मैसेज आया है कि उसके पास वाटर कलर्स नहीं है, वो बाद में फोटो भेज देगी। सोनी आपको नहीं दिखाना बेटा, अनम्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट करो। और अंजुम और ये विनेश, विनेश प्लीज लड़ना बंद करो, वन बाय वन शो मी। विनुषा अनुष, विनुषा है या अनुष जो भी है, अपना वीडियो ऑन करो। सोनी आप भी दिखाओ क्या बनाया आपने। आई थिंक एनी कलर, एक तो विनोष अनुषा यू डोंट हैव टू मेक द स्क्वायर, आपको वो बनाकर बॉर्डर बनाकर नहीं करना है, डोंट मेक द बॉर्डर अगेन। हाँ बॉर्डर नहीं बनाना कभी भी। ठीक है मैम ऑलरेडी सबका देख लिया है जी। ठीक है मैम, सो आई थिंक वी कैन स्टार्ट द नेक्स्ट टी वाला पोर्शन इन द नेक्स्ट क्लास। अभी नेक्स्ट क्लास हमने पूरा और, पूरा कर लीजिए, पूरी पूरी स्काई को आप लोग करके रखना, जिस जिसका इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट कर लेना। ठीक है मैम, तो नेक्स्ट क्लास जो है वो हम ट्री से स्टार्ट करेंगे। डन मैम। ठीक है ओके मैम, चलो बाय बच्चा, बाय बाय। मैम ने देख लिया सबका, बाय 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 एवरीवन। कल इंग्लिश कम्युनिकेशन क्लास है, दोज हु वांट टू जॉइन कैन जॉइन, बाय बाय।
See you tomorrow.